प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंतर्राष्ट्रीय अभिदम दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व को युद्ध में नहीं बुद्ध में ही समाधान मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि करुणा और सद्भाव से ही दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है, वहीं पूरे विश्व को साथ लेकर आगे चल रहा है। विश्व की जियोपॉलिटिकल परिस्थिति आज एक बार फिर विश्व कई अस्थिरताओं और आशंकाओं से घिरा है। ऐसे में बुद्ध न केवल प्रासंगिक है बल्कि अपरिहार्य भी बन चुके हैं। मैंने एक बार यूनाइटेड नेशंस में कहा था, भारत ने विश्व को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। और आज मैं बड़े विश्वास से कहता हूं, पूरे विश्व को युद्ध में नहीं बुद्ध में ही समाधान मिलेंगे। उसके मूल भाव को समझने के लिए पाली भाषा का ज्ञान आवश्यक है। धम्म यानी बुद्ध के संदेश, बुद्ध के सिद्धांत। धम्म यानी मानव के अस्तित्व से जुड़े सवालों का समाधान। धम्म यानी मानव मात्र के लिए शांति का मार्ग। धम्म यानी बुद्ध की सर्वकालिक शिक्षाएं। और धम्म यानी समूची मानवता के कल्याण का अटल आश्वासन। आजादी के पहले भारत की पहचान मिटाने में लगे आक्रमणकारी और आजादी के बाद गुलामी की मानसिकता के शिकार लोग भारत में एक ऐसे इकोसिस्टम का कब्जा हो गया था जिसने हमें उल्टी दिशा में धकेलने के लिए काम किया। जो बुद्ध भारत की आत्मा में बसे हैं, आजादी के समय बुद्ध के जिन प्रतीकों को भारत के प्रतीक चिन्हों के तौर पर अंगीकार किया गया, बाद के दशकों में उन्हीं बुद्ध को भूलते चले गए। पाली भाषा को सही स्थान मिलने में 7 दशक ऐसे ही नहीं लगे। लेकिन साथियों, देश अब उस हीन भावना से मुक्त होकर आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मगौरव के साथ आगे बढ़ रहा है।